महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने शुक्रवार को घासीदास नगर में समाज सेविका सुमन त्रिपाठी ने महिलाओं की बैठक ली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं युवतियां शामिल हुई। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन और कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि से जोड़कर स्वावलंबी बनाने समाज सेविका सुमन त्रिपाठी की पहल निरंतर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को घासीदास नगर में सुमन त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सुमन त्रिपाठी ने महिलाओं से विस्तार से चर्चा कर उनके प्रशिक्षण कार्य के संबंध में जाना। ज्यादातर महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन और कंप्यूटर कोर्स करने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। महिलाओं से चर्चा उपरांत समाज सेवी सुमन त्रिपाठी ने उनको संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही प्रशिक्षक की उपलब्धता को लेकर बताया और दीपावली पर्व बीत जाने के उपरांत क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की बातें कही। बैठक में उपस्थित सभी महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़कर स्वावलंबी बनने को लेकर उत्सुक दिखी। समाज सेविका सुमन त्रिपाठी ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जो महिलाएं जो यहां पे रोजगार जिनका बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत एक्टिव हैं यहाँ की महिलाएं और बहुत सीखने के लिए बहुत इच्छुक रहती हैं, तो मैंने ये सोचा आज मैं यहाँ आई और पहले भी मैं आती रही हूँ। जैसा भी मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग जैसे अभी शुरुआत में इन लोगों ने सिलाई पार्लर ये सारा कोर्सेज अभी चालू किया है धीरे धीरे, तो ये इनके सीखने तक की सीमित ना रह जाए। मेरा ये सोचना है कि ये लोग इस प्रोफेशनल तरीके से इनको सिखाया जाए कि ये घर बैठे ही अपना रोज़गार चालू कर सकें, कि रेडीमेड जैसे कपड़े बनते हैं या ब्लाउजेज़ होते हैं और पेटीकोट्स होते हैं, ये लोग खुद घर पे सिल के ये लोग उसको सेल करें और इनके मतलब आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करें, अपने परिवार के लिए सहायता की मतलब अपना चालू रखें, कि मतलब वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें उसमें, कि उनका जो कहना चाहिए कि इनके स्तर को आर्थिक स्तर को ऊंचा कर सकें। और दूसरा कुछ कंप्यूटर जैसे बच्चियां हैं, अभी मुझसे बात कर रही थी तो बोला इन्होंने कि मैडम कंप्यूटर कोर्सेज, तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ कंप्यूटर सेंटर छोटा सा डाल सकें कि बच्चों को या जो महिलाएं हैं जो भी सीखना चाहें वो करके कुछ ना कुछ उनको वो एक्चुअली क्या है कि बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये महिलाएं अपना इतना सारा घर का काम काज करने के बाद अपने लिए खुद के लिए समय जो निकाल के यहाँ आती हैं और शौक से अपना जो भी इनको जो भी इनकी खूबी है जो इनको शौक है या रोज़गार के लिए जैसा भी ये लोग यहाँ बैठ के वो सीखती हैं करती हैं, तो उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि इनको रोज़गार के लिए प्रोत्साहित भी करूँ और मैं कोशिश भी करूं कि मेरे हाथों से कुछ हो सके इन लोगों के लिए, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, हमेशा रहेगा। और इसमें धीरे 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 बदलाव आएंगे, धीरे धीरे इसमें अपग्रेडेशन आएगा, जैसे जैसा इनके ऊपर भी निर्भर करता है कि ये लोग कितना ज़्यादा एक साथ जुट एकजुट होके सीखने की कोशिश करेंगे, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा कि मतलब मैं इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और मैं ये मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं जिसको मेरे को अभी इम्प्लीमेंट भी करना है, इसलिए आज इनसे कुछ कुछ चीज़ें मैं पूछने के लिए भी आई कि और क्या किया जा सकता है। ये लोग खुद भी जो कुछ चाहती हैं उस पर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनकी मदद करूं और उसको भी आगे निकालने की कोशिश करूं, बढ़ाने की कोशिश करूँ। गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ समाज सेविका राजू चंदा द्वारा भी निरंतर कार्य कर महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने कार्य किया जा रहा है। आज राजू चंदा की बदौलत क्षेत्र की अनेकों महिलाएं रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ चुकी हैं। वहीं समाज सेविका सुमन त्रिपाठी के नेतृत्व में महिला उत्थान को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होती हैं। इस कार्य को उन्होंने लगातार जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।